हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप लोग एक बात पे ध्यान दीजिए, आप लोग डाउट्स जब भी पूछा करें 2 बजे से शाम के 8 बजे तक, ठीक है? 8 बजे के बाद शाम में हम लोग नेक्स्ट डे का आपका होमवर्क और पेपर्स वगैरह का काम करने लगते हैं, ठीक है? तो आपका काम है 8 बजे के पहले पूछना, बल्कि आप जब होमवर्क बनाते हैं 2 बजे तक जमा करने के लिए, डाउट्स तो आपके पास आ ही जाते हैं कि ये मेरे को पूछना है, तो आप उसी टाइम पूछ लीजिए। और जब आंसर हम लोग भेजते हैं उसके बाद भी जब डाउट बनता हो 6 बजे, फिर पूछ दीजिए, आपको वीडियो बना के भेजा जाएगा, लेकिन 8 बजे रात के बाद नहीं, ध्यान रखें। और आज का डाउट आज ही पूछिए, ओके? सिंप्लीफिकेशन आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन, -13 + -6 / 2 + -5, बीच में कुछ नहीं है, माइनस। तो ये जो डिवाइड पे था -3, इसको बट्टा में ला दिया, भागा करना खत्म। +-5, बीच में कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है, 2 से काट देंगे -3 - 13 लिख दिए, -3 + -5 -4। अब फोरबॉक्स के नियम के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -(+)20 हो जाएगा। अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे -30, इसको ब्रैकेट निकालेंगे +(-3) और +20, -(+) हो जाएगा -60 + 20, 20 बड़ा है इसमें 16 घटेगा तो 4 + में यही आएगा आपका राइट आंसर, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों ध्यान देंगे, 15 - ये ब्रैकेट नहीं है, इस तरह से लकीर खींचा हुआ आपको मैथ मिलेगा, -5 + 10, 10 - -12 बराबर क्या? सिंपल है सब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल बाहर है, 15 नहीं होगा, और ये 5 - 10 + में, और ये 12 भी माइनस रहेगा, ये 15 + में है और 5 - में घटाएंगे तो 10 आ गया, 10 तो है ही, 12 है, 10 + को जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, -12, 20 में 12 घटाएंगे, राइट आंसर है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, 15 को 10 से पहले जोड़ देंगे 25, और -- आपस में जुड़ जाएगा -17, और 25 में भी -17 को घटाएंगे तो राइट आंसर 8 ही आएगा, ओके? नेक्स्ट नंबर 3 देखेंगे, √36 × √81 × √49 × √60 / √9 × √4। मुझे पता है आप लोग रूट के बारे में जान रहे हैं, फिर भी मैं एक दिखाता हूं, √36, आप इसे कैसे निकालेंगे? तो 36 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से पहले डिवाइड देंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, पूरा कट गया, दो अंकों का पेयर बनाएंगे, 1 2 हो गया, 1 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6, तो ये √6 36 का, इसी तरह से सबको करेंगे, ठीक है? और हमेशा जो रूट निकलेगा उसका जब स्क्वायर करोगे तो उसी के बराबर आएगा, ठीक है? तो 36 का रूट 6, 81 का 9, 49 का 7, 60 का 4, फिर 9 का 3 और 4 का 2, 4 का कितना आएगा 2 आ गया। अब काटेंगे ये 2 2, 2 बार में कर दिया, ये भी कर दिया, ये 4 यही रहेगा, और इसको गुणा करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 4 को तो राइट आंसर आएगा 252, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, 2 पे पावर 8 - 2 पे पावर 6 - 2 पे पावर 5 × 3 ब्रैकेट बंद +10। 2 पे पावर 8 का मतलब 2 को 8 बार गुणा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कर दिया, 2 को 5 बार गुणा करो, 2 को 6 बार गुणा करो, 2 को 5 बार गुणे 3 + 10, जब 8 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा, यहां 64, यहां 32 मल्टीप्लाई करेंगे, मगर अब माइनस नहीं करेंगे, फोर पास का रूल, पहले मल्टीप्लाई करना हो, 32 को करेंगे माइनस 2 से -96 हो जाएगा, 64 है ही, 256 है, माइनस माइनस को प्लस करेंगे 160 हो जाएगा, 256 में घटाएंगे 96,
ब्रैकेट के बाहर तीन है, तीन को जोड़ेंगे तो राइट आंसर 106 होगा। ओके नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3/8 डिवाइड ब्रैकेट 1 1 मेक 7/8 माइनस 3/4 ब्रैकेट 1। ब्रैकेट में पहले फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, 15/8 और 3/4 हो गया। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 8 एलसीएम आएगा, 15 आएगा प्लस 2 बार में जाएगा 6, 15 में 6 घटाएंगे 9/8, 3/8 डिवाइडेड बाय 9/8, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे, काटेंगे ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, ये 8 कट गया 3 से 3 बार, लेकिन जब भी कुछ नहीं होता है ऊपर तो 1 हमेशा होता है, तो 1/3 इज राइट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों और ध्यान दें, 2 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 5 पे पावर 0, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मगर एक चीज को आप सीखेंगे, किसी भी अंक के ऊपर जब पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। अगर मैं कहूं 8150 पे पावर 0 तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा, याद रखेंगे। ओके तो यहां भी 1 हो गया, 2 जा 4, 3 जा 9 और 1 जोड़ेंगे तो राइट आंसर 14। तो आपने क्या सीखा इस मैथ में, आपने ये सीखा कि पावर किसी भी अंक के ऊपर जब 0 होता है तो कितना भी बड़ा वो अंक हो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ओके